हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्वाड्रेचर इन पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ पोलर कर्व, ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में कार्तीय रूप के वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो सीखा था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना इस वीडियो में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। अगर कुछ सीखने को मिले और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पोलर कर्व, ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल। तो ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। द सेक्टोरियल एरिया इनक्लोज्ड बाई द पोलर कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा एंड रेडियस वैक्टर इज थीटा इक्वल टू एफ एल्फा एंड थीटा इक्वल टू बीटा। तो ध्रुवीय रूप में अगर कोई वक्र हमको दे रखा है तो ध्रुवांतर रेखा थीटा बराबर एल्फा और थीटा बराबर बीटा से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा उस सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करना आज हम यहां पर देखेंगे। देखिए, ध्रुवीय रूप का मतलब जो वक्र आर और थीटा के पदों में प्रदर्शित हो। हमने अपनी पिछली वीडियो में कार्तीय रूप में यानी एक्स और वाई के रूप में प्रदर्शित वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आज इस वीडियो के अंदर हम आर और थीटा के रूप में प्रदर्शित जो वक्र होंगे उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये एक्स और वाई अक्ष यहां पर है। ओ ए एक्स अक्ष है, प्रारंभिक रेखा हम इसको बोलते हैं, और वाई अक्ष ये 90 डिग्री पर समकोण बनाने वाली रेखा है। इन दोनों अक्षों के बीच में एक वक्र का कोई भाग है, जैसे ये वक्र का कोई भाग है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये वक्र का कोई भाग है ए बी। इस वक्र के ऊपर कोई दो पॉइंट हमने ले रखे हैं ए और बी। इस ए बिंदु को अगर हम ओ से मिलाते हैं, इस ओ बिंदु को ध्रुवीय रूप में पोल कहते हैं और कार्तीय रूप में हम इसको मूल बिंदु बोला करते थे। तो ओ से हमने ए को मिला दिया तो ये ध्रुवांतर रेखा बन गई ओ ए, और ए बिंदु का ध्रुवीय रूप में जो निर्देशांक होगा वो होगा आर थीटा। ठीक है, तो यहां पर जो ये R है ये ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है, ये ध्रुवांतर रेखा की लंबाई हो गई। ठीक है, और थीटा इस ध्रुवांतर रेखा का X अक्ष के साथ बनाया गया एंगल हो गया थीटा। इसी तरीके से इस वक्र का एक और पॉइंट हमने ले लिया B, और उसको भी अगर हमने ध्रुव से मिलाया तो इसका निर्देशांक R डैश थीटा डैश हम लेके चल रहे हैं, वैसे कुछ भी ले सकते हैं। और O से लेकर के B तक की जो ध्रुवांतर रेखा बनी है इसकी लंबाई हो गई आर डैश, और ओ से लेकर ओ बी का जो एक्स अक्ष के साथ एंगल है ये वाला, इसको हम मान रहे हैं थीटा डैश। तो थीटा से लेकर थीटा डैश के बीच में जो ये छायांकित भाग आ रहा है जिसको हमने शेडेड किया हुआ है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास ध्रुवीय रूप में क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन लिमिट थीटा इक्वल टू एल्फा थीटा इक्वल टू बीटा, लोअर लिमिट एल्फा अपर लिमिट बीटा, और 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी ध्रुवीय रूप में दिए गए वक्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वो कोई भी वक्र अगर हमको दे रखा है तो उस वक्र का पहले हम डायग्राम बनाएंगे और वहां से हमें पता लग जाएगा कि थीटा बराबर एल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है। उनके बीच में दिए गए फलन का समाकलन करने से हमको ध्रुवीय रूप में स्थित वक्र का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं, जिससे हमें अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, लिमिट कैसे निकलेगी और क्या करना है। चलिए देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर जो ध्रुवीय रूप में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला ले रखा है, इसको समझने के लिए हमने एक ये एग्जांपल लिया है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कार्डियोड, हृदय आपका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और कार्डियोड की इक्वेशन है आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। यहां पर हम कुछ थीटा की वैल्यू रख के और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिससे हम इसका डायग्राम बना सके। तो देखिए, यदि हम थीटा इक्वल टू जीरो लेते हैं, थीटा बराबर जीरो अगर हम ले लेते हैं तो हम यहां पर थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू वन हो जाती है, इसलिए वन प्लस वन टू हो जाएगा और 2a आ जाएगी r की वैल्यू, तो r इक्वल टू आ जाएगा 2a। इसी तरीके से अगर हम थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं, 90 डिग्री, तो फिर r की वैल्यू क्या आएगी, तो r की वैल्यू निकालने के लिए थीटा की जगह 90 लिखा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो r इक्वल टू a आ जाएगा, तो r इक्वल टू a। और अगर थीटा की जगह पर 180 डिग्री हम ले लेते हैं तब क्या होगा, तो थीटा की जगह पर जब 180 डिग्री हम लेंगे तो कॉस 180 का मान माइनस वन होता है, तो वन और माइनस वन से जीरो होकर के आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास अलग अलग डिग्रीज में आर की वैल्यू आ गई, इससे हम अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हमने कार्डियोड का डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो यहां पर जो ये एक्स अक्ष है ये थीटा बराबर जीरो है, और वाई अक्ष को थीटा बराबर 90 डिग्री हम लेते हैं, एक्स डैश अक्ष जो नेगेटिव अक्ष होता है वहां पर थीटा बराबर 180 और नीचे वाई अक्ष थीटा बराबर 270 है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास था थीटा बराबर जीरो पर आर बराबर 2a, तो ये थीटा बराबर जीरो की लाइन है, इस पर ये जो पॉइंट है यहां पर ए पॉइंट, इसको अगर हम मान लेते हैं तो ये ए पॉइंट 2a दूरी पर है। इसी तरीके से अगर हम इस बिंदु को बी मानते हैं y अक्ष पर, तो ये a दूरी पर है और थीटा बराबर 90 डिग्री पर है। इसके बाद थीटा बराबर 180 पर r की वैल्यू वापस से जीरो हो जाती है, तो वक्र इसको o बिंदु मान लेते हैं हम, तो o a और b इन तीनों से तो जाएगा ही, और साथ में जैसा एक्स अक्ष के ऊपर होगा वैसा का वैसा ही एक्स अक्ष के नीचे भी होगा, तो ये कार्डियोड का डायग्राम बन जाता है। अब हमको इस कार्डियोड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो अब हमको ये देखना है कि जो थीटा बराबर अल्फा और थीटा बराबर बीटा है वो कितना रहेगा। देखिए, अगर हम ये मान के चले कि हम एक्स अक्ष पर हैं प्रारंभिक रेखा पर, तो प्रारंभिक रेखा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कितना चलें कि ऊपर ऊपर का पूरा भाग आ जाए, तो हम देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ये डायरेक्शन बना रखी है, ऊपर से ऐसे पूरा आएंगे तो एक्स डैश तक आएंगे यहां पर, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक अगर हम ऊपर का एरिया लेते हैं तो कार्डियोड का आधा भाग हमको मिल जाएगा, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्डियोड का पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखिए कार्डियोड का क्षेत्रफल, कार्डियोड का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो कार्डियोड का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2, ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर से, आर स्क्वायर डी थीटा, और थीटा की लिमिट हमारे पास हो गई 0 डिग्री से थीटा बराबर पाई, और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमको संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू लिखने के बाद देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अब रह जाएगा लिमिट 0 टू पाई, और r की वैल्यू जो वक्र दिया हुआ है r बराबर a 1 प्लस cos थीटा वो आ जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर और d थीटा। अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है और इसी से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, अब r स्क्वायर कॉमन है, हम कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे,
लिमिट जीरो टू पाई होल स्क्वायर खोल लेंगे, वन प्लस टू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां पर कॉस थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, इसलिए कॉस थीटा की जगह पर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे वन प्लस कॉस टू थीटा और अपॉन टू, इसको इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई वन प्लस कॉस टू थीटा, टू कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा और अपॉन टू डी थीटा। लघुत्तम ले लेते हैं और लघुत्तम लेने के बाद दो को बाहर ले लेंगे तो कांस्टेंट के रूप में ए स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, लिमिट जीरो टू पाई ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और लघुत्तम को सॉल्व करने के बाद जब ये दो एक से मल्टीप्लाई होके दो हो जाएगा और एक पीछे है तो तीन हो गया, प्लस चार कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा, ये हमारा लघुत्तम लेकर के आ जाएगा। अब इसका हमको केवल इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ए स्क्वायर बटे दो, तीन का समाकलन थीटा के सापेक्ष तीन थीटा, चार अचर, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा प्लस कॉस टू थीटा का समाकलन साइन टू थीटा, और टू थीटा का जो दो आएगा अवकलन करने पर उससे इसको कर दिया डिवाइड और जीरो से पाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करनी है, पहले जितने भी थीटा लिखे हुए हैं सबके ऊपर अपर लिमिट आएगी। तो देखिए तीन थीटा की जगह पाई प्लस फोर साइन पाई की वैल्यू जीरो प्लस साइन थीटा की जगह पर यहां भी पाई रखेंगे तो टू पाई, इसकी भी वैल्यू जीरो, माइनस थीटा की जगह पर अब सभी जगह पर लोअर लिमिट रखनी है जीरो, तो तीनों टर्म्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो हमारे पास अब केवल रह जाता है ए स्क्वायर बटे दो और तीन पाई, यानी कि ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर पाई बटे दो। ये कार्डियोड का संपूर्ण क्षेत्रफल आया है स्टूडेंट्स, कार्डियोड का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर थ्री ए स्क्वायर पाई बटे दो। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है पोलर फॉर्म में किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करने का, उससे हमने इसको निकाल लिया है। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और हो सके तो शेयर भी करना और कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।